کون ہے؟ داڑھی پار کون ہے؟ داڑھی پار کون ہے؟ چائے والا کون ہے؟ داڑھی پار کون ہے؟ آپ میری طرف انگلی نہ کریں، میری طرف انگلی نہ کریں، سارے پریویلیج کا معاملہ ہے۔ ایک داڑھی پار ویکتی اس دیش کا گرہ منتری بن جاتا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ میں نے نام نہیں لیا، میں نے نام نہیں لیا، میں نے نام نہیں لیا کہ جس پہچان پتر کی بدولت ایک عام سادھارن ناغرک ایک تڑی پار کو چن کر دیش کا گرہ منتری بنا سکتا ہے۔ ایک چائے والا، 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 ایک چائے والا اس لوگ تنتر کے اندر ایک ووٹ کے ادھکار سے سیدھا چائے والے سے پردھان منتری بن جاتا ہے۔ اس ووٹ رائے ادھکار کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ अपने अति गंभीर और अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का आज विधानसभा में मौका दिया है और पिछले ढाई तीन घंटे से जो ये चर्चा चल रही है इसमें मुख्य तौर पर सभी साथियों ने अपनी बात उदाहरण सहित आंकड़ों सहित रखी है। और चूंकि मैं भी विधानसभा की सदस्य हूँ, इस देश की नागरिक हूँ, तो मेरे भी मन में इन NCR NPR और CA को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और जब अपने साथी सदस्यों को सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस देश के अंदर इस समय कैसी सरकार चल रही है जो बहुत कंफ्यूज है, जो बहुत अज्ञानी तरीके से, अनजान तरीके से, उसे पता ही नहीं है कि देश को किस ओर लेकर जाना है, देश के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, देश के लिए कौन से कानून महत्वपूर्ण हैं, उनको इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं है। बहुत ही अजीब से लोग इस देश के केंद्र की सत्ता के ऊपर बैठकर अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। जो इस देश में अभी तक विदेशी कहे जा रहे हैं उनको ये नागरिकता दे रहे हैं बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के, और इस देश के अंदर जो सदियों से दशकों से रह रहे हैं उनको ये कहते हैं कि अगर तुम इस देश के नागरिक हो तो तुम्हें कागजात देने पड़ेंगे, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम इस देश के नागरिक हो। ये अजीब विडंबना है। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास पासपोर्ट है, उनको ये हमारे कागज़ नहीं मानते। जिस वोटर आईडी कार्ड से इनको सत्ता में चुनकर भेजा गया, जिस वोटर आईडी कार्ड से ग्राम पंचायत हो, निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा का चुनाव हो, जिस वोटर आईडी से देश के 128 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, उस वोटर आईडी कार्ड को भी ये हमारा सबूत के तौर पर मानने को तैयार नहीं। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, जिस मैंने नाम नहीं लिया, 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 ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपना भाषण जारी रखिए ना। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपनी बात जारी रखिए। मैं अध्यक्ष जी यही कह रही हूँ, मैं अध्यक्ष जी, आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें, सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? अपनी बात कैसे रही है अध्यक्ष जी? मैं बहुत शांति से और शालीनता से ये कह रही हूँ कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है, एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है, उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? और मैंने किसी का नाम नहीं लिया।
आपको कोई आपत्ति है आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें, आपको कोई आपत्ति है आप माननीय अध्यक्ष जी से। तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। राखी जी आप उधर इशारा मत करिए, नहीं मैं समय कट करके बैठा रहा हूँ। मैं अध्यक्ष जी दो मिनट के अंदर आप कोई सफाई ना। लेकिन अगर विपक्ष ऐसे टीका टिप्पणी करेगा, आप बोलते रहिए ना, विपक्ष टीका टिप्पणी करेगा कैसे चलेगा? आप बोलते रहिए, अनुशासन नाम की चीज है। आप बोलते रहिए ना, आपको किसने? अनुशासन नाम की चीज है, आप उन्हें अनुशासन सिखाइए प्लीज। मैं अध्यक्ष जी तीन मिनट के अंदर, महज तीन मिनट के अंदर अपनी जो मेरा संदेह है और जो मेरे सवाल है और जो मेरा विचार है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। मैं अपने बातों को दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब एक मतदाता, राखी जी मैं दोबारा रिपीट करने की इजाजत नहीं दे रहा, जब एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर कर मेरे जैसी एक साधारण सी लड़की, 25 गज में रहने वाली लड़की को लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में भेजता है तो वो सबसे बड़ा प्रूफ होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट डालने का अधिकार सबको दिया और वो वोट डालने का अधिकार इस बात को सिद्ध करता है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 1989 से पहले कानूनन ऐसी कोई प्रतिबद्धता, ऐसी कोई मजबूरी या अनिवार्य नहीं था कि एक कोई भी जो बच्चा पैदा होगा, जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। जब ऐसी पॉलिसी पहले नहीं थी तो मुझे समझ नहीं आता NPR, NRC और CA के लिए माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो अनिवार्य, ये किस बिहाफ पर लिखा गया, ये बिल्कुल समझ के परे। और फिर एक बार फिर से विपक्ष को हो सकता है मेरी बातों से आघात पहुंचे, लेकिन ये कटु सत्य है कि अगर ये कंपलसरी है कि NPR, NRC और CA के लिए अपने अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है, तो क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे इस देश के रक्षा मंत्री, हमारे जो है इस जो ये NCR, NPR और CA है, इसके माध्यम से अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या इस देश के माननीय राष्ट्रपति अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या RSS प्रमुख मोहन भागवत अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या श्री LK अडवाणी जी अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? या माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? अगर ये संभव नहीं है, 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 तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब BJP का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र में बैठे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, तो क्या उन्हें, मैं कंक्लूड ही कर रही सर, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूब परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी मुझे दो मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रही हूँ। अध्यक्ष जी मुझे ऐसा लगता है कि NPR, NRC और CA महज देश की जनता को
भटकाने के लिए एक हथियार के रूप में केंद्र सरकार आजमा रही है और भटकाना चाहती है वो अपनी नाकामियों से जनता को, नोटबंदी से देश को भटकाना चाहती है, जीएसटी की जो अभी मार पड़ी है व्यापारियों के ऊपर उससे देश की जनता को वो भटकाना चाहती है, बेरोजगारी जो पिछले 45 सालों के अंदर सर्वोपरि आंकड़ा इस साल में आया है उससे देश की जनता को भटकाने के लिए हथियार के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। राइफल सौदा हो गया, दलितों पर अत्याचार हो गया, अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। अध्यक्ष जी मैं एक लाइन कहकर सर मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फाइनल क्लोजिंग लाइन कहकर मैं जो है अपनी बात को विराम देती हूँ कि अध्यक्ष जी ये जो भाजपा सरकार है ये एक संकीर्ण मानसिकता की सरकार है। इस सरकार को जब से ये अस्तित्व में आई है किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, महिला सड़कों पर है, पुरुष सड़कों पर है, दलित सड़कों पर है, वकील सड़कों पर है, डॉक्टर सड़कों पर है, इंजीनियर सड़कों पर है। ये सरकार नहीं संविधान विरोधी लोग हैं और एनपीआर सीए और एनआरसी को लाकर ये वोट के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं और अपना एक अधिकार स्थापित कर कर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है इस सदन के सदस्य होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, मैं आज यहाँ से आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ और दिल्ली में इसको कतई भी किसी भी सूरत में लागू नहीं करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।